कृष्ण स्नेहा किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी रेशम के चावल की इडली बनाकर। आप देख सकते हो कितनी वाइट इडली हमारी बनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनती है। सिर्फ दो चीज़ों से मैं ये इडली आपको बनाकर दिखाऊंगी। आप देख सकते हो कितनी जालीदार बनी है अंदर से। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप इसके चटनी की रेसिपी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे चटनी रेसिपी अवेलेबल है। इडली बनाने के लिए हमने लिया है एक बर्तन, उसमें डाल देते हैं 2 कप रेशनिंग के चावल। इस तरह 2 कप चावल हमें डालने हैं। इसमें डालेंगे हम 1/2 कप उड़द की दाल। याद रहे 2 कप चावल के लिए 1/2 कप उड़द की दाल डालनी है। रेशन का चावल थोड़ा काला होता है, इसलिए 5-6 पानी से हमें इसे साफ धोना है। इससे हमारी इडली बहुत ही वाइट बनेगी। आप देख सकते हो मैंने 5-6 पानी से चावल को अच्छे से धोकर लिया है। आप इसमें 1 चम्मच मेथी दाना भी डाल सकते हो फर्मेंट होने के लिए, लेकिन मुंबई में वैसे भी गर्मी बहुत होती है। दूसरे दिन बैटर अच्छे से फर्मेंट होकर आता है। आपके यहाँ क्लाइमेट ठंडा हो तो आप इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ज़रूर डालें। इसमें डाल देते हैं 1 ग्लास पानी। अब देख सकते हो अब हम इसे ढककर 5-6 घंटे अच्छे से भीगने देते हैं। 5-6 घंटे हो चुके हैं, अब ढक्कन खोल लेते हैं। आप देख सकते हो चावल और दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। अब एक मिक्सी जार लेते हैं और मिक्सी जार में चावल और दाल को हम बारीकी से पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। हम इसे बारीक पीस लेंगे इस तरह। आप देख सकते हो इतना बारीक हमें पीसना है। इसी तरह सारा दाल चावल हम बारीक पीस लेते हैं। आप देख सकते हो इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए। हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक, और नमक को हम इसमें मिला लेते हैं। नमक हमें फर्मेंट होने से पहले ही डालना है, इसका कारण मैं आपको आगे बताऊँगी। और इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए चलाना है ताकि इसमें बबल तैयार हो, हल्की सी जाली आए। आप देख सकते हो हल्के से बबल इसमें तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर रख देते हैं ढक्कन, और ढक्कन रख के हम इसे पूरी रात फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। इसे चाहो तो आप गर्म जगह पे भी रख सकते हो, या किचन का कोई टॉवेल लपेट कर भी इसे रख सकते हो ताकि ये सुबह अच्छे से फर्मेंट होकर आए। सुबह हो चुकी है, हमारा बैटर देखते हैं। आप देख सकते हो बैटर कितना ऊपर आ गया है और अच्छे से फर्मेंट हो गया है। बैटर हमारा कितना हल्का हो गया है आप देख सकते हो, और बैटर में बहुत सारी जाली भी आ चुकी है। इसी तरह का बैटर हमें चाहिए था। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। हमने इसीलिए नमक फर्मेंट होने से पहले डाला था। हम अभी नमक डालने जाते तो ये जाली सब खराब हो जाती और हमारी इडली ज़्यादा फूली फूली और सॉफ्ट नहीं बनती। इसीलिए नमक हमें फर्मेंट होने से पहले डालना है। अब हम इसी जाली को ऐसे ही रखेंगे और इडली के बर्तन को लगा लेते हैं तेल। इस तरह थोड़ा थोड़ा तेल लगा कर लिया है। इडली कुकर में 3 ग्लास पानी रखा है गर्म होने के लिए। पानी को हम उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम इसके ऊपर रख देते हैं इडली का बर्तन इस तरह, और इसमें बैटर हम डाल देते हैं। इसी तरह सारे इडली बर्तनों में हम इडली का बैटर डाल देते हैं और इसे ढककर 15 मिनट हाई फ्लेम पर इसे स्टीम करके लेते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अब देख सकते हो इडली हमारी कितनी फूल कर ऊपर आ गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और ठंडा होने के बाद इसे निकाल देते हैं इस तरह। आप देख सकते हो कितनी वाइट इडली हमारी बनी है।
यह बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनती है। इसे देखकर कोई कह भी नहीं सकता ये रेशम के चावल से बनी है। आप देख सकते हो इतनी सुंदर इडली बनी है सिर्फ दो ही चीज़ों से। हम एक इडली को आपको तोड़कर दिखाते हैं ये अंदर से कितनी जालीदार बनी है। ये बहुत ही जालीदार, हल्की, सॉफ्ट और मुलायम बनी है, आप देख सकते हो। खाने के लिए रेडी है हमारी इडली चटनी। चटनी की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। आपको ये रेशम चावल की इडली कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार रेशम के चावल की इडली बनाकर देखना, कोई कहेगा भी नहीं ये रेशम के चावल से बनी है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।